तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ो को मेरा पहला, छोटे को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी बढ़िया। मैं रेखा परियार बिस्ट आपका फिर स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग पे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 10 बजे स्टार्ट, क्योंकि आज धूप भी बहुत खतरनाक वाली आई है। तो सारा काम निपटा के अब नहा धो के आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो आज सुबह से टाइम नहीं मिला, तो आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जैसे कि आज राखी है, तो आज दक्ष की पहली राखी है, तो अच्छा लग रहा है। तो उसको उसकी बहनें बाद में आएंगी, अभी मतलब दीदी लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो टाइम लगेगा शायद, इसलिए हमने थोड़ा लेटी से तैयारी करी है अपने। तो अभी दक्ष हो रखा है नहा धो के, तो उसको भी हमने टाइम से नहला दिया था। और बाकी बिना तैयार हुए बगल में हिमू आई थी, तो उसकी बहन बड़ी दीदी, तो उसने बात के चली गई थी, तो मैंने ब्लॉग पर ऐड कर रखा है। तो गाइज मायके नहीं गई हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है दादा की। तो 2 साल से जब से शादी रखी मैंने राखी नहीं बांधी दादा को, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो आई मिस यू सो मच दादा। तो सुबह वीडियो कॉल पर बात हुई थी, जब ससी बात थी, मतलब वो ससी ने ना सुबह 7 बजे बांध लिया था राखी, तो इसलिए तो इस बार मैं जाने वाली थी, तो इसलिए दक्ष भी छोटा है तो नहीं जा पा रही। तो फिर अब अगले साल बांधूंगी जब मौका मिलेगा। तो अभी वीडियो कॉल पे हमने बात करी थी, तो मेरे नाम की भी राखी ससी ने खरीद ली थी। तो ससी ने बांध लिया था, तो उसके बाद फिर अगले साल जाऊंगी राखी बांधने के लिए। तो उसके तो अभी दीदी लोग आ जाएंगे शायद 12 बजे तक, तो उसके बाद ही हम लोग राखी बांधेंगे। तो तब तक हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, वो कहते हैं कि खाना वाना मत बनाना हमारे लिए, इसलिए तो हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद राखी की तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर गाइज, अभी करते हैं हम लोग अपनी तैयारी, तैयार भी होना है और दक्ष को भी तैयार करना है, तो अपना काम हम निपटा लेते हैं। तो चलिए फिर। तो गाइज अभी यहाँ पे कुछ तैयारी नहीं करी है, तो यहाँ पे हिमू आ गई है राखी बांधने के लिए दक्ष को। तो आज दक्ष की पहली राखी है, तो दक्ष को भी तैयारी कुछ भी नहीं किया है। तो चलो फिर एक बार राखी के बाद लेती है हिमू, तो उसके बाद आगे तैयारी करते हैं, उसके बाद इसको तैयार करेंगे अच्छे से। तो चलो फिर अरे अच्छे लगो ना शैतन का चल रही। चलो ए देखो ये कृष्णा वाली राखी, ए डोरेमोन वाली राखी, डोरेमोन नहीं राखी, वो है कृष्णा, कृष्णा वाली राखी है। वाँ वाँ। वाँ। कुछ हो रहा यार, ये तो आज कुछ हो गया यार। अरे बाबले नाम वाली भी लाए है यार दीदी, दक्षी वाली, दक्षी के नाम वाली भी राखी लाई है यार दीदी। देखो ये दक्ष दीदी को गिफ्ट दे दो, गिफ्ट गिफ्ट दे दे, चलो पकड़ो दीदी को दो गिफ्ट, पहले गिफ्ट पकड़ो, पहले गिफ्ट दे दो, दीदी को गिफ्ट दे दिया दक्ष ने। अब फोटो खींच दो। तो गाइस अब हम लोग खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं राखी तैयारी। तो चलिए, तो देखो रेखा बिष्ट अभी खाना वाना खा के बर्तन धो रही है। बर्तन धोने के बाद दीदी लोग भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद राखी हम बांधेंगे। अभी देखो बढ़िया से चमकाना इसको। तो गाइस दीदी लोग भी अब पहुंच चुके हैं, तो हमने खाना ना खा के बर्तन तो धो रहे थे, तो दीदी लोग भी आ चुके हैं। मैं सोचा तैयार है होने के बाद वो लोग आते तो अच्छा था, वो पहले आ गए हैं। तो चलो फिर जब दिखाते हैं उनकी एंट्री किस तरह हो रही है। तो चलो हेलो, ये भैया बहने तो आ गई है भैया। आते आते शाम हो गया, जीते रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, पहला खुश रहो बाबू के छे। चलो फिर तो
गाइस हम लोग हो गए रेडी। तो दीदी लोग पहुंच ही गए थे जैसे आपको मैंने बताया था। और तो यहाँ पे अभी हमारा तैयार हो चुका है, तो हम अभी तैयार हो चुकी हूँ। तो कैसे दीदी कमेंट कर जरूर बताना। और तो यहाँ पे हमारे ब्रिज भी तैयार हो गए, तो दिखाती हूँ ब्रिज जी को भी एक बार। चलो तो यहाँ पे हमारे ऋषि जी भी एकदम रेडी फेडी। लो अपने बेटे को पकड़ो एक बार, दोनों बाप बेटे को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा दक्ष और उसके पिताजी मतलब उसके बाप दोनों रेडी हो चुके हैं। तो क्या हो गया पापा मतलब। तो चलो फिर चलते ऊपर बोलो के पास। नहीं कर रहे पीछे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे वही तो। हाँ पीछे से पकड़ के हटो ना, पहचान पहचानता है ना वो। आवाज आवाज पहचान ली अभी गुन्नू कब पकड़ेगा। गुन्नू का हाथ गंदा भी हुआ है आज। और तो यहाँ पे आरती की थाली भी हम तैयार करेंगे। एक बार हम आरती की थाली तैयार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे हमने प्यारी प्यारी राखियाँ भी रख ली। तो ये तो घर की राखियाँ हैं दो, और बाकी सब दीदी लोग लाए अपनी प्यारी प्यारी राखी। तो देख सकते हैं आप, ये लगता है बहुत खर्चा कर रखा है राखी में, लगता है बहुत खर्चा कर रखा है। और ये शायद ये दक्ष के लिए होगा पक्का। ये दक्ष के लिए क्या? हाँ तो देख सकते हैं घर सुने बनाए हैं हाथ से। वाह हैंडमेड राखी ये हर्षने बनाई है। उसको हैंडमेड राखी को दिखा दिया मैंने। ये हाँ ये दक्ष की दीदी ने बनाया दक्ष के लिए। ये है वो हर्ष। हाय बोलो। ये राखी हर्ष हेलो थैंक यू सालों साल सौ साल जब जब तक उम्र रहेगा बुढ़ापे तक सौ साल उम्र हो रहा।
जो वो गिफ्ट का कलर भी सेम मैच रहा, वो हरा कलर का सूट पहना है, उन्होंने पिंक वाली ले ली। अब वो अंदर का सूट पता नहीं किस किस को पसंद आता है, बता नहीं। सुखी बहन दिवाली मम्मा देखो यार, ले 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 ओले बच 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 खिरे खिरे ओले ओले बच 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 बारी है मेरी कलर में बातने की, तो चलो बाद में रखा दारा बात। हाँ ठीक है, तू रखा ही कर।
गाइस यहाँ पे राखी वाखी बांधने के बाद तो दीदी लोग कल शाम ही रुके थे, तो ब्लॉक एंडिंग मैं दीदी लोग के जाने के बाद करूंगी सोची थी, तो इसलिए मैं ब्लॉक एंडिंग कल नहीं करी। तो अभी बारी है दीदी लोग के जाने की। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ब्रेकफास्ट नहीं बनाया हमने डायरेक्ट, मतलब 10-11 बजे के समथिंग थोड़े से कचौड़ी बनाए थे और समोसा बनाया था नाश्ते में। तो दिन के लिए सब लोग के लिए हो गया, अगर पापा लोग अभी खाएंगे तो हम लोग खिचड़ी बना लेंगे अपने लिए। तो चलो फिर दीदी लोग तैयार हो चुके हैं, तो उनकी तैयारी हो रही है, तो चलो फिर आगे दिखा देते हैं आप लोग को। हेलो। तो यहाँ पे सारी तैयारी होने के बाद यहाँ पे धोती होती निकाली जा रही है। हाय। तो यहाँ पे बड़ा वाला बैग आ चुका है, निकल गया नोट। टिकट भी हो गया वाला उसमें। तो यहाँ पे हमारे घर पे लगे हुए थे शिमला मिर्च और तुरई, तो दीदी के लिए मम्मी वही पैक कर रही है सब्जियाँ, और बाकी हमारी पहाड़ी तुरई है, और बाकी थैला वहाँ पे रखा हुआ है दीदी लोगों ने अपने लिए। 100 रुपए किलो भी मार्केट में हो रहा है इसका। तो हमारे लिए घर के खाने के लिए घर पे हो जाता है। तो चलो फिर दीदी लोग तैयार हो चुके थे, तो अब बारी उनकी विदाई की। गाँव के रास्ते जा रहे हो? रुको खोजो, चल मम्मी उन्हें उठ को चलो, ठीक छ, बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे दीदी लोग भी जा चुके हैं, तो अभी बज रहा 2, तो अभी बहुत भयंकर वाली धूप भी लगी हुई है, तो वैसे में चले गए हैं दीदी लोग। तो यहाँ को असोच भी करने लग गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो लोगों के जो मंदरे होते हैं वो कट के ऐसे नलों खड़े कर दिए, और बाकी घास वास मतलब गज्जो कटने लग गया लोगों का सबका। तो हमने अभी नहीं काटा है, तो हम लोग अभी 2-4 दिन में फिर काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे खेत खाली होंगे ना, मतलब लोगों के, तो घास उखाड़ने के लिए ठीक रहेगा। तो देख सकते हैं। तो गाइस तो चलो फिर मेरा ब्लॉग रक्षाबंधन का कुछ इस तरह रहा, तो मैं मायके नहीं जा पाई, आपको मैंने ब्लॉग भी बताया था। तो हमारी हैप्पी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से रही, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो अभी ब्लॉगिंग भी मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग जो ब्लॉग पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।